मिनट है मिश्रा जी, 5 मिनट। माननीय उपाध्यक्ष जी, आपने खान खनिज विकास अधिनियम संशोधन में बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मैं इस संबंध में माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि सबसे पहले तो इसमें यह आवश्यकता है कि हमारे देश में जो कितना कोयले का भंडार है और हम कितने वर्षों में उसका दोहन करके, हमारी सबसे पहले नीत तो ये होनी चाहिए कि हम कितना उसका यूटिलाइजेशन कितने सालों में करेंगे, उसके बाद हम प्राइवेट सेक्टर की खानों को नीलाम करने की व्यवस्था करें। सबसे पहली आवश्यकता तो इस बात की है, क्योंकि ये देखा गया है कि हम जो कोयला उत्पादन कर रहे हैं, हमारा सीआईएल कर रहा है, उसके द्वारा ये देखा गया है कि जो हमारी ओपन ग्राउंड खदानें हैं उन खदानों को प्राइवेट सेक्टर को दिया जा रहा है और जो अंडरग्राउंड खदानें हैं उन खदानों में हम काम कर रहे हैं, सरकारी कंपनियां कर रही हैं। सबसे पहली आवश्यकता तो इस बात की है कि जो ओपन ग्राउंड खदानें हैं उन खदानों को सुरक्षित रखकर जो हमारा सीआईएल है, कोल इंडिया है, उसको प्रथम वरीयता दें। दूसरी बात यह है कि आज हम इन खदानों को जिस तरीके से नीलामी करके दिए हैं और बड़े बड़े उद्योगपति और पूंजीपतियों ने लंबे समय से उनको तो आरक्षित कर लिया अपने पास, लेकिन उनमें काम नहीं कर रहे हैं, उसमें जरूरत इस बात की है कि ऐसे लोगों को, उनकी जो हमने खदानें दी हैं उनको निरस्त करने की जरूरत है, क्योंकि तमाम बड़े बड़े पूंजीपतियों ने खदान तो ले लिया है लेकिन उन खदानों में अभी समय पर काम नहीं किया है। हालांकि कुछ लोगों की खदानें आपने निरस्त की है, ये बात सही है, लेकिन अभी जितने और लोग हैं कहीं न कहीं कोई बहाना करके उन खदानों पे भी अब भी काबिज। आज सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप खदानें लोगों को देते हैं प्राइवेट सेक्टर को, हमारा 1884 का भूमि अधिग्रहण अधिनियम है, उस अधिग्रहण अधिनियम में किसानों के साथ जो अन्याय हो रहा वो सबसे बड़ी गंभीर बात है। अभी उत्तर प्रदेश में अभी रिसेंट 2-4 दिन पहले क्या स्थिति हुई है, आप उत्तर प्रदेश से आते हैं मालूम है, आप जो बिक्री रेट होता है किसानों का, उसका कहते हैं कि 3-4 साल का रेट बना लें और उस रेट का जो एवरेज आता है आप देते हैं। आप ये नहीं सोचते कि वो किसान को जो हम पैसा दे रहे हैं, भूमि अधिग्रहण कर लिए और उसका पैसा दे दिया जमीन का, अब वो नई जमीन जब कभी खरीदेगा तो उसका जो फसल उगाता था और 2-4 वर्ष उसको जो वो रुक जाएगा, अब जब कभी वो जमीन खरीदेगा तब उत्पादन करेगा, उसका जो वो नुकसान होता है जिस उद्योग में वो कृषि उद्योग में लगा हुआ है, कृषि उद्योग का उसका जो काम बंद हो रहा है उसका भी उसके बारे में सोचना चाहिए। आपने उसको विस्थापित किया, वो जो काम कर रहा था कृषि का वो कृषि भी प्रभावित हो गई उस किसान की, कभी इसके बारे में सोचा है? हम बात करते हैं हिंदुस्तान के किसानों की, जहां 70% किसान है उनका कोई दूसरा सहारा ही नहीं है कृषि के अलावा, लूट रहे तेरे इलाके में, और इन किसानों का जो काम बंद हो जाता है, आपने जमीन ले लिया, कह दिया जमीन का मुआवजा दे दिए हैं, लेकिन उनका धंधा कृषि है वो जो बंद हुआ उसके बारे में भी कभी आपने सोचा? बहुत दिनों से आप चर्चा चल रही है कि आप किसानों के लिए मुआवजा अधिनियम में बदलाव करके जो भूमि अधिग्रहण उसमें हम वो करेंगे, लेकिन इसमें कुछ नहीं हुआ अभी तक। आपने जमीन लेने के बाद उनसे शर्तें की आपकी कंपनियां, मैं तो कोल इंडिया की पहले बात करूंगा, कोल इंडिया के अंतर्गत जो कंपनीज है उन्होंने जिला प्रशासन और विस्थापितों के बीच में शर्तें तय की कि हम इतनी जमीन लेंगे और इतना मुआवजा देंगे और हम उन्हें रोजगार देंगे। करें ये 2 मिनट दे दे, अभी तो है। उन्होंने जल्दी उनसी जमीन ले ली और उनके साथ जिला प्रशासन, उनके साथ जो शर्तें हुई उन शर्तों के बाद भी उन किसानों को ठगा जा रहा है,
उनकी जमीन ले ली, उनका पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है और उनसे जो रोजगार देने की शर्तें थी उन शर्तों का उल्लंघन किया जा रहा है। कोल इंडिया वहां से आदेश करती है कि ये नियम बना दिए। माननीय मंत्री जी, कोल इंडिया कौन होती है? वो कंपनी जो वहां पर किसानों के साथ और जिला प्रशासन के साथ शर्तें मंजूर की थी, उन शर्तों को लागू होना चाहिए। और यही भर नहीं, जो सीएसआर का वर्क होता है किसानों के सामुदायिक विकास के लिए वहां पर होता है, उनका भी काम, जो इनका रेट है कि हम इतने परसेंट उत्पादन के आधार पर देंगे, वो भी समय पर नहीं होता। और ये कहते हैं कि अब ये हमारा बजट लैप्स हो गया है। बड़े दुर्भाग्य की बात है, उस एरिया के लोगों के साथ जो अन्याय हो रहा है, इस बात को देखने की जरूरत है। अरे भाई, आप ही टेंडर कर रहे हैं, आप ही काम स्वीकृत कर रहे हैं, उसको समय पर नहीं कर रहे हैं, इसलिए जरूरत है कि वो पैसा वो डिपॉजिट करके जिला प्रशासन को दे और वहां से काम हो। आज जो परिस्थितियां हैं इतनी गंभीर हो गई हैं कि हिंदुस्तान का किसान लुटाई का अखाड़ा बना हुआ है। आपको मालूम होना चाहिए, हमारे क्षेत्र में सीधी जिले में आपने और तत्कालिक कंपनियों ने यह तय किया था खदाने लेते वक्त किसानों के कि हम आपको इंडियन माइनिंग स्कूल देंगे। कोयला मंत्री जी ने यह घोषणा की और वहां के तत्कालिक चीफ मिनिस्टर ने और वहां के तमाम लोगों के ये शर्तें दी, आम जनता से वो खदाने ली गई। और बाद में हुआ क्या कि दूसरे मंत्री आए और उन्होंने कहा कि नहीं। तो इस तरीके की जो शर्तें होती हैं, जो इस तरीके के सुविधाएं रहने की बात होती है, आज हमारे यहाँ 10 खदाने आपकी चल रही ओपन ग्राउंड, कम से कम 4,000 करोड़ रुपए आप वार्षिक ले रहे हैं और उस क्षेत्र का पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। और जब कॉलेज खोलने की बात आई, स्वीकृत देने के बाद दो मिनट बोला था, दे दिए, कहते हैं कि हम ये नहीं करेंगे। ये बड़े ही दुख की बात है। दो मिनट और चाहेंगे मान लें, और दो मिनट मांगे थे, दो मिनट दे दिया आपको, दो मिनट और दे दें, और दे देंगे उसके बाद। मेरा कहना ये है कि जो इस तरीके की कोयले की रॉयल्टी का प्रश्न है, आपने पर टन का हिसाब लगाया था, आज मार्केट रेट में जो कोयले का रेट है, उस क्षेत्र के लोग प्रभावित हो रहे हैं। आज उसमें रॉयल्टी के बारे में भी सोचने की जरूरत है कि जो रॉयल्टी का पूरा ढर्रा है, स्टेटों के साथ जो अन्याय हो रहा है, उसके लिए भी जरूरी है। माननीय मंत्री जी से मैं कहूंगा कि इसमें भी उस तरीके का लाभ उस क्षेत्र के और उस जिले के लोगों को मिलना चाहिए। उपाध्यक्ष जी, आपने समय दिया इसके लिए धन्यवाद, क्योंकि समय कम है आपके पास, तो मैं आपको तंग भी नहीं, बाकी तो बोल ही चुके हैं, धन्यवाद। माननीय मंत्री जी।